दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर कानपुर शहर को भी ट्रैफिक और जाम से मुक्त कराने की पहल यूपी सरकार ने बड़े ही जोर शोर के साथ की। जनता को जाम की समस्या से निजात दिलाने और शहर को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से बीते दिनों में ITMS का शुभारंभ किया गया, लेकिन जैसे ही समय बीता तो सरकार के इस भारी भरकम प्रोजेक्ट ने दम तोड़ दिया। पिछले कई दिनों से शहर के 80% सिग्नल खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी सहनी पड़ती है। लाइटें तो लग गई हर चौराहे में भैया, लेकिन बस वही है कि आपका लाइट सिस्टम जो इनका रेड लाइट है, रेड लाइट ही रहती है, ग्रीन है, ग्रीन है, येलो है, येलो सिस्टम सारे चौराहे पे खराब है। 2-3 दिन से जो सिस्टम लगे हैं सारे चौराहे पे खराब है। नीतियां सही बनाए, सरकार नीतियां सही बनाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से यहाँ अधिकारीगण या जो यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले हुए अधिकारी हैं वो पूरी तरह इसमें कामयाब नहीं हो पाए। जो भी यहाँ पर लाइटें लगी हैं वो कभी भी सुव्यवस्थित बहुत दिनों तक नहीं रही, कुछ दिन के बाद खराब हो जाती है और वो फिर यातायात की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।